मैं इस टाइम तालाब तिलो के आनंद बिहार इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ से भी एक कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आया है। बड़ी दुख की बात है कि तालाब तिलो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है और काफ़ी ज़्यादा केसेस ऑलरेडी तालाब तिलो इलाके से जो है पॉजिटिव आए हैं और मृत्यु का आंकड़ा भी यहाँ से जो है दो का है ही ऑलरेडी चल रहा और केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑलरेडी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से लगभग 30 के करीब पहले भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जिनमें से कुछ रिकवर होकर घर भी आ चुके हैं। लेकिन अब नया मामला जो है आनंद विहार इलाके से आया है, जहाँ से एक और महिला जो है कोरोना वायरस की पॉजिटिव आई है। मेरे साथ वार्ड नंबर 41 से कॉरपोरेटर संजय बड़ू जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये खुद यहाँ पहुँचे हैं, सैनिटाइजेशन भी इस पूरे मोहल्ले में कराई है और कुछ देर में ये जो पूरी गली है ये सील भी हो जाएगी। संजय जी, लगातार केसेस यहाँ से आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी आप लोग करवा रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे और तालाब तिलो से ही केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले लगभग 24-25 दिन से तालाब तिलो क्षेत्र में केसेस आना शुरू हुए थे और जैसा आपने कहा कि अभी लगभग 40 के आसपास केसेस जो हैं टोटल आए हैं, लेकिन हमारी वार्ड नंबर 41 में ये आज तीसरा केस आया है। और पिछला एरिया तो रेड जोन रहा हमारा, 30 नंबर वार्ड, 31 नंबर वार्ड या 32 नंबर वार्ड, लेकिन हमारा एरिया जो था ये अभी तक ठीक था, माता रानी की कृपा थी। लेकिन आज एक हमारी यहाँ की इस गली की एक बेटी जो है उसका टेस्ट हुआ था परसों, कुछ प्रॉब्लम थी, तो आज वो केस पॉजिटिव आया है। और ये एक बहुत बड़ा परिवार है, तीन चार भाई हैं, आगे उनके बच्चे हैं, कुल मिला के ये 20-22 लोगों का परिवार है और ये इकट्ठे रहते हैं, लगभग सात में इनके घर हैं और ये बड़ा एक कंजेस्टेड ज़्यादा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी है। और ये हमारा बहुत अभी तक शांत एरिया था, ऐसा कोई केस नहीं आया था। लेकिन जो देखने में आ रहा है आशीष जी कि अब जिस तरह से ये लग रहा है कि थोड़ा कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हुआ है, ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। अभी तक जो केसेस थे वो ट्रैवल हिस्ट्री के केसेस थे, लेकिन अब जो केसेस आना शुरू हुए हैं इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और ये कहीं ना कहीं से वायरस अब फैल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से तालाब तिलो वासियों को, अपनी बाढ़ के वासियों को, विशेष रूप से सभी जम्मू के वासियों को ये कहना चाहूँगा कि अभी तक हमने जम्मू में कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय अब आया है और इसमें जो गाइडलाइंस हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, मास्क हम सब लोग मैक्सिमम पहन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग मास्क जो चलते चलते रास्ते में फेंक देते हैं, या हम देखते हैं वो कहीं गाय या कुत्ता कोई उसको मुंह मार रहा है, तो इन चीज़ों का भी हमें परहेज करना चाहिए और डेली हमें मास्क को अपने अच्छी तरह से सैनिटाइज करना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम तभी कर सकते हैं कि जब हमें कोई बड़ा ज़रूरी काम हो तभी हम घर से निकलें। होता क्या है कि यहाँ हम देखते हैं गली मोहल्ले में शाम के टाइम जैसे ही बाज़ार बंद होते हैं, बहुत सारे लोग ग्रुप में सैर कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा सैर भी लोग अपने अपनी छत पे ही करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमने इतनी जो मेहनत की है, चार पाँच महीने इसके लिए हम बहुत मेहनत की है और एकजुट होकर इसके साथ लड़े हैं, और ये ख़तरनाक समय में कहीं हम कोई गलती ना कर दें जिसको ऐसा ना हो कि हमें पछतावा करने का भी मौका ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी बात करने के लिए। संजय बड़ू जी वार्ड नंबर 41 के कॉरपोरेटर और आनंद विहार तालाब तिलो इलाके से एक और कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, महिला है जिनका कोरोना का पॉजिटिव केस आया है। ऑलरेडी तालाब तिलो से काफ़ी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, अब एक केस तालाब तिलो के आनंद विहार से भी आ चुका है। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए जय हिंद।